नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या फिर कोई चुनावी संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर निराले अंदाज में नजर आते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल में सलामी देने गए पीएम मोदी ने कुर्ते पैजामे के साथ ही सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी। पीएम के इस लुक से पहाड़ी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के सिर पर ब्रह्म निशान वाली काले रंग की उत्तराखंडी टोपी को चुनाव के साथ ही दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के तौर पर भी देखा गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीएम ने वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंडी टोपी को ये नया लुक देने वाले सोहम हिमालयन सेंटर के समीर शुक्ला पीएम नरेंद्र मोदी के गणतंत्र दिवस पर उसे पहनने से बहुत खुश हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के शीर्ष वस्त्र को पहन पीएम ने पूरे पहाड़ी राज्य को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में इस टोपी को ये छोटा सा बदलाव लेकर आए थे। 2017 में हमने सपना देखा था कि एक टोपी हो जो ट्रेंडी हो और यूथ के बीच भी लोकप्रिय हो। पारंपरिक टोपी में थोड़ा नयापन जोड़ा गया, इसमें ब्रह्म कमल लगाया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उन्होंने कहा कि टोपी पर एक पट्टी जोड़ी गई जिस पर चार रंग हैं। ये रंग जीव, प्रकृति, जमीन, आसमान से मिलकर बने हैं, जो हिमालयी राज्य के प्रतीक है। समीर के मुताबिक उनकी ये टोपी काफी पसंद की गई। कई समारोह में विपिन रावत भी इस टोपी को पहने नजर आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।